नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HSD IAS परिवार में। हमने आप लोगों के लिए पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत की थी। उसी श्रृंखला में भाग सात लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उन क्वेश्चनों को लेते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लेने की कोशिश करते हैं जो चर्चा में रहते हैं, जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं और जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। भाग सात को लेकर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा कथन है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। ये कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत शामिल किसी भी कानून को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में कुल वर्तमान में 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात जिन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि अनुच्छेद 31B न्यायिक समीक्षा से बाहर है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने वे कानून जो मौलिक अधिकार या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब देखते हैं कि 9वीं अनुसूची के तहत कौन कौन से विषय हैं जो न्यायिक जांच के अंतर्गत आते हैं। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में कहा था कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून की समीक्षा हो सकती है यदि वे कानून मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 9 सदस्यीय संविधान पीठ के साथ अपने इस निर्णय को बरकरार रखा था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। जी हाँ, ये कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। नहीं, ये कथन गलत है। 9वीं अनुसूची में डाले गए उन कानूनों की वैधता का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो कानून भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा गया, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कथन एक सही है, तो उसका उत्तर हो जाएगा एक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रस्थापित किया गया था? देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो 9वीं अनुसूची है उसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो 1951 में भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, अमेरिका में से कौन से देश आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारी देशों में शामिल हैं? अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान है क्या। आसियान एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ की गई। इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंग्रेजी नामों के वर्णाक्रम के आधार पर ही इनकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से की जाती है। आसियान देश 650 मिलियन की आबादी के साथ वैश्विक जीडीपी में 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। बात करते हैं इसके सदस्य देशों के बारे में। आसियान के 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश सदस्य हैं जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। इसके अतिरिक्त 6 बड़े ऐसे देश हैं जिनके साथ आसियान के मुफ्त व्यापार समझौते हैं जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया शामिल हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया कि उपयुक्त कथनों में से कौन से देश आसियान के मुफ्त व्यापार भागीदारी देशों में शामिल हैं। कथन देखते हैं, कथन में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अभी हमने देखा है कनाडा, कनाडा इसमें शामिल नहीं है। चीन शामिल है, भारत शामिल है और जापान शामिल है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। तो कौन, क्या उत्तर हो जाएगा इसका?
एक तीन चार और पांच को इस ऑप्शन में है, एक तीन चार और पांच दिया गया है, सी में इसका उत्तर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शब्द अक्सर देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में समाचारों में दिखाई देने वाली वार्ता है, जिसे निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। देखिए इस क्वेश्चन का लेने का मतलब यह है कि देखिए कुछ शब्द जो समाचारों में अक्सर दिखाई देते हैं, जो वर्ड जो है समाचारों में रहते हैं, उन शब्दों को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। अक्सर यूपीएससी उन शब्दों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। जिस प्रकार ये शब्द है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शब्द, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती हैं जो अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं, उन शब्दों को भी हमें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। अक्सर उन शब्दों से संबंधित भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, जिस प्रकार का ये क्वेश्चन लिया गया है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना, किसके रूप में जाना था, दिया गया है G20, आसियान, संघई सहयोग संगठन या सार्क। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। दिया गया है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी आसियान के 10 सदस्य देशों और 5 देशों के बीच एक मुफ्त व्यापार समझौता है, जिसके साथ आसियान का मौजूदा FTA है। यानी ये जो भागीदारी है ये किसके साथ से है, किसके रूप में जानी जाती है, आसियान संघ के रूप में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शब्द अक्सर देशों के एक समूह के रूप में संदर्भ में समाचारों में दिखाई देने वाली वार्ता है, जिसे निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, आसियान के रूप में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि मेकांग गंगा सहयोग 6 देशों की एक पहल है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा भागीदारी प्रतिभागी नहीं है। कथन में कौन कौन से देश दिए गए हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार और थाईलैंड। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मेकांग गंगा सहयोग भारत और 5 आसियान देश कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम देशों के बीच पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, साथ ही परिवहन और संचार को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक पहल है, जिसे 2000 में लाओस के वियतनाम में प्रारंभ किया गया था। जो मेकांग गंगा सहयोग है, इसकी पहल का उद्देश्य है जो दोनों नदी घाटियों के बीच बसे लोग हैं उनके बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेकांग गंगा सहयोग 6 देशों की एक पहल है, जिनमें से कौन से देश भागीदारी प्रतिभागी नहीं है। पूछा गया है कौन से नहीं है, मेकांग गंगा में कौन कौन से देश हैं मेकांग गंगा सहयोग में, भारत के अतिरिक्त कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल है, बांग्लादेश, बांग्लादेश शामिल नहीं है, कंबोडिया शामिल है, चीन शामिल नहीं है, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। तो क्या पूछा गया, नहीं है, तो उसका उत्तर हो जाएगा C1 व 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। देख लेते हैं, 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा कथन है, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा कथन है, वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखते हैं मीथेन हाइड्रेट क्या है। मीथेन हाइड्रेट बर्फ की एक जालीनुमा पिंजरे जैसी संरचना है, जो मीथेन के अणुबंध से बनती है। यह एक प्रकार की बर्फ है जो केवल स्वाभाविक रूप से उपसतह में जमा होती है, जहां तापमान और दबाव की स्थिति इसके गठन के लिए अनुकूल होती है। आर्कटिक परमाफ्रोस्ट के नीचे मीथेन हाइड्रेट और तलछटी चट्टान इकाइयों के निर्माण और स्थिरता के लिए उपयुक्त तापमान एवं दबाव की स्थिति वाले क्षेत्रों में महाद्वीपीय सीमांत 7 तलछटी जमाव, अंतर्देशीय झीलें और समुद्रों के गहरे पानी के तलछट और अंटार्कटिक बर्फ आदि शामिल हैं। आगे दिया गया है, मीथेन हाइड्रेट जो एक संवेदनशील तलछट है, तापमान में वृद्धि या दबाव में कमी के साथ तेजी से पृथक हो सकते हैं। इस पृथक्करण से विमुक्त मीथेन और पानी को प्राप्त किया जा सकता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है,
मिथेन वायुमंडल में लगभग 9 से 12 वर्षों की अवधि में ऑक्सीकृत हो जाती है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। पढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में कहा कि भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मिथेन गैस को निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। जी हाँ, एकदम सही है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मिथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। अगला कथन है, मिथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुव टुंड्रा में तथा समुद्री अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। जी हाँ, ये भी कथन सही है। अभी हमने पढ़ा था, दिया गया है, जो महाद्वीपीय सीमांत सात तलछट जमाव अंतर्देशीय झीलों और समुद्री गहरे पानी के तलछट और अंटार्कटिका बर्फ आदि शामिल हैं। अगला कथन दिया गया है, वायुमंडल में मिथेन एक या दो दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। जी हाँ, ये भी कथन सही है। तो क्या पूछा गया? पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए, कौन सही है? सही, तीनों सही है, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों में दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। पूछा क्या गया है, उपयुक्त में से कौन फसल बायोमास अवशेषों को जलाने के कारण वातावरण में उत्सर्जित होने वाली गैस है? तो उसमें से आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी गैसें जो हैं फसल बायोमास या अवशेषों को जलाने के कारण उत्पन्न हो जाती है, उत्सर्जित होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, बायोमास क्या होता है। बायोमास एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। नवीकरणीय स्रोत तथा बेसिक रूप से ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक तो नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय, जिसको हम परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी देखते हैं। उनमें से एक है नवीकरण स्रोत, अर्थात वे स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे स्रोत में जिसमें ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बायोमास शामिल होते हैं। तो बायोमास हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जो पौधों से और जानवरों से प्राप्त होती है। फसल अवशेष या बायोमास को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। धान की फसल के अवशेषों को जलाने से वातावरण में सस्पेंड पार्टिकल मैटर SO2, NO2 और O3 उत्सर्जित होती है। तो हमने जाना कि फसल अवशेष या बायोमास को जलाने से कौन कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो क्वेश्चन में दिया गया है, कौन कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाई ऑक्साइड जो है, सभी गैसें बायोमास के जलाने के कारण उत्सर्जित होती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन हेतु मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम के लिए एक मसौदा या संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसको तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा तैयार किया गया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, दूसरे कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में। देख तो क्या पूछा गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिना भारतीयों की सहमति के, देखिए 1939 में जब द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की सहमति के, बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। एक तो कारण ये हो गया, और दूसरा कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की अपील की थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इसको खारिज करते हुए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। तो उसी के विरोध में, ये दोनों कारणों के, एक तो विश्व युद्ध में भारत को बिना उनकी सहमति के विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, तो और ये दूसरा कारण है अगस्त प्रस्ताव का विरोध। तो इन दोनों विरोध के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में कोई जो सत्याग्रही होता था, वो एक जगह पर या एक एक स्थान पर जाकर अपना भाषण देता था। तब भाषण देने के दौरान या अपने
बात रखने के बाद वो व्यक्ति अपने आप को या अपने आप की गिरफ्तारी ब्रिटिश सरकार को दे देता था। इसी क्रम में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, तो पूछा गया है कि पहले सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, तो दूसरा कौन था? दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उसका उत्तर है बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टैटू गुदवाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? जो क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। अब देखते हैं कौन कौन से रोग कथन में दिए गए हैं। पहला है चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देखते क्या दिया गया है। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीज यानी TTD की समस्या रक्तदाता समुदाय के संक्रमण की व्यापकता से संबंधित है, अर्थात ऐसे डिजीज जो रोगी रोगी से संक्रमित हुई सुई, इंजेक्शन या किसी ऐसे माध्यम से जो एक जो संक्रमण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। आगे दिया गया है, टैटू गुदवाने से कई संक्रामक रोग संबंधित होते हैं जिनमें कुछ TTD भी शामिल होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस तब फैलता है जब इससे ग्रसित किसी बीमार व्यक्ति का रक्त, वीर्य या अन्य तरल पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति में प्रवेश करता है, तो उससे हेपेटाइटिस बी फैलता है। दूसरा HIV एड्स। HIV एड्स केवल HIV वाले व्यक्ति के शरीर के रक्त, इंजेक्शन, दवा, उपकरण जैसे सुई आदि के अन्य व्यक्ति से संपर्क में फैलता है। यानी HIV एड्स अगर किसी व्यक्ति को है और उस व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन, दवा या उपकरण किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आया या किसी अन्य व्यक्ति को लगा दिया जाए, तो उससे भी HIV एड्स फैल सकता है। अब बात करते हैं चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया वायरस मच्छरों ज्यादातर एडीज इजिप्टी या एडीज एल्वोपिक्टस मच्छरों द्वारा फैलता है। जो चिकनगुनिया है कैसे होता है? जो मच्छरों के काटने से। ये मच्छर डेंगू वायरस का प्रसार करते हैं। मच्छर तब संक्रमित हो जाते हैं जब वे पहले से ही वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। चिकनगुनिया किससे फैलता है? फैलता है मच्छरों के द्वारा, न कि ये एक TTD यानी ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर वापिस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा रोग टैटू गुदवाने से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? तो हमने अभी पढ़ा चिकनगुनिया, चिकनगुनिया मच्छरों से होता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी, या हेपेटाइटिस बी भी हो जाता है उसके द्वारा है। HIV एड्स, HIV एड्स भी हो जाता है। तो नीचे देखो उसका सही प्रयोग था 2 व 3, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, इसका उत्तर है बी। हमारे संस्था का यह प्रयास है कि आप लोगों की जो तैयारी आप कर रहे हैं, आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं 2023 को, उसमें हम आपकी हेल्प करें और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में भागीदारी निभाएं। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अब कुछ फीडबैक हो तो वो भी हमें दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।